वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है बारबेरियन। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट, उससे पहले जुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही टेस नाम की एक लड़की जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर आकर रहने के लिए एक रेंट हाउस को ढूंढने लगती है। टेस को घर मिल भी जाता है। घर के पास जाने पर यह बात पता चलती है कि उस घर में ऑलरेडी एक बंदा है जिसका नाम होता है खेत। टेस समझ जाती है कि एक ही घर को दो लोगों को दिया है, मतलब सम काइंड ऑफ शेयरिंग टाइप। खैर जो भी हो, रात का समय होता है, टेस फिलहाल तो इसी घर में रुक जाती है। खैर सुबह होने के बाद खेत टेस से पहले नींद से जाकर उसी तरह टेस के लिए एक मैसेज छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद टेस भी रेडी शेडी होकर जब अपने घर से बाहर आती है तो वहाँ के काफी सारे घर बहुत ही पुराने होते हैं। उसके बाद जब टेस कैथरीन से मुलाकात करती है, कैथरीन टेस से कहने लगती है कि तुम जिस जगह पर रहती हो वो जगह इतनी सेफ नहीं, वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। खैर टेस अपना इंटरव्यू खत्म करके दोबारा अपने घर के पास आती है तो एक होमलेस मैन टेस को फॉलो करने लगता है, इसका पीछा करने लगता है। इस बंदे को देखकर टेस घबराते हुए फटाफट से अपने घर में आकर अपना दरवाजा लॉक कर लेती है और एक्चुअली उस होमलेस बंदे का नाम होता है आंड्रे। टेस से कहने लगता है तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसा कहते हुए एंड्रे भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टेस इस घर के बेसमेंट में आकर अनलकीली लॉक हो जाती है और एक्चुअली इसी बेसमेंट में एक सीक्रेट कमरा होता है। देखती है उस कमरे के बेड पर और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। एक वीडियो कैमरा भी मौजूद होता है। डर के मारे टेस दोबारा अपने बेसमेंट पर आ जाती है। उसी वक्त केत घर वापस आने पर केत की मदद से टेस उस बेसमेंट से बाहर आती है। केत से कहने लगती है कि हमको इस घर में नहीं रहना चाहिए, बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट कमरा है, अजीब अजीब के सामान है उस कमरे में, खून के धब्बे है, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ हो रहा है, फटाफट से हम दोनों को यहाँ से निकल लेना होगा। लेकिन खेत टेस की बातों पर भरोसा ना करते हुए उस बेसमेंट को देखने के लिए ये खुद बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी खेत ऊपर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद टेस भी दोबारा अपना फोन लेकर बेसमेंट में जाने लगती है खेत को ढूंढते हुए, लेकिन उस कमरे में खेत मौजूद ही नहीं होता। उसके बाद गौर से देखने पर इस कमरे में टेस को एक गुफा नजर आती है। टेस घबराते हुए धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाते हुए खेत को बुलाती रहती है। तभी खेत जख्मी हालत में टेस के पास आता है। टेस पूछने लगती है कि तुमको क्या हुआ। खेत कहने लगता है कि यहाँ पर कोई है, उसी ने मुझे मारा, जख्मी किया। तभी एक नेकड़ और अजीब की औरत वहाँ पर आकर खेत के सर को बार बार दीवार से मार कर शायद इसे मार देती है और उसी तरह टेस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हर दूसरे सीन में एजे नाम के एक सीरियल एक्टर को दिखाया जाता है। रिसेंटली एजे ने अपने को स्टार से बदतमीज से पेश आने की वजह से उस औरत ने एजे पर केस ठोक दिया, जिसकी वजह से एजे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सो एजे अपने पुराने घर को भी बेचने के लिए इस घर के पास आता है। एक्चुअली एजे का पुराना घर वही होता है जो फिलहाल टेस यहाँ पर रहती है। यहाँ आने के बाद एजे को लगता है कि इस घर में कोई रह रहा है। एजे बेसमेंट में जाकर मेजरमेंट्स वगैरह लेने लगता है तो एक सीक्रेट रूम में इसको टीवी की आवाजें सुनाई देती रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है एक्सेट्रा। इसी को चेक करने के लिए जब एजे उस टनल के अंदर जाता है तो कोई अनजान बंदा या बंदी एजे का हाथ का टेप खींचने लगते है। एजे अपनी जान बचाने के लिए जब भागने लगता है तो एजे एक होल में जाकर गिर जाता है। एक्चुअली वो एक होल नहीं बल्कि एक केज होता है जहाँ पर इसकी मुलाकात टेस्ट से होती है, जो बेचारी ये भी वहाँ पर कैद हो चुकी होती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1980s। उस टाइम यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था, मतलब चारों तरफ घर, आबादी। फ्रैंक नाम का एक बंदा इस घर में रहा करता था। एक दिन फ्रैंक का नेबर फ्रैंक के पास आकर कहने लगता है कि मैं भी इस कॉलोनी को छोड़कर जाने वाला हूँ, हमारे कॉलोनी के काफी सारे औरतें अचानक गायब हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी जा रहे हो। फ्रैंक कहने लगता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। इस तरह से एक स्टोर जाकर डायपर्स वगैरह खरीदने के बाद वहाँ की एक औरत को फॉलो करने लगता है। जब औरत अपने घर में जाती है, फ्रैंक उस औरत को फॉलो करते हुए उसके घर के पास जाकर उससे कहने लगता है कि मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, क्या मैं आपके घर की चेकिंग कर सकता हूँ। इस तरह से फ्रैंक वॉशरूम में जाकर वहाँ की खिड़की खोल देता है। उसके बाद फ्रैंक वापस अपने घर आकर जब बेसमेंट में जाता है तो बेसमेंट में कोई औरत चीखने चिल्लाती रहती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। टेस एजे से कहने लगती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप रहो, यहाँ पर एक अजीब की औरत रहती है और वो औरत हम दोनों को अपना बच्चा मानती है। एजे पूछने लगता है कौन है वो औरत, क्यों मारती है। तभी वहाँ पर वो अजीब की औरत आकर एजे को एक दूध का बोतल देकर पीने के लिए कहती है। एजे इस दूध की बोतल को देखकर कहने लगता है कि ये बहुत ही गंदा है, मैं नहीं पीऊंगा, और वैसे भी इस उम्र में दूध कौन पीता है। टेस एजे से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम फटाफट से इस दूध को पी लो। उसके बाद जब वो औरत टेस को दूध पिलाने लगती है
टेस चुपचाप से उस बॉटल को अपने मुंह में रखकर दूध पीने लगती है। अब ये जो दूध ना पीने की वजह से वो औरत ये जो को अपने कमरे में लाकर जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करने लगती है। इसी दरमियान में टेस वहाँ से बाहर निकलने लगती है। टेस को ऑब्जर्व करके वो अजीब की औरत टेस को फॉलो करने लगती है, इसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी एंड्रे आकर जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, टेस को उस टनल से बाहर निकाल लेता है। वो अजीब की औरत घर से बाहर ना निकलते हुए टेस को देखकर चुपचाप दोबारा अंदर चली जाती है। इस तरफ टेस एंड्रे से कहने लगती है कि अंदर एजे नाम का एक बंदा है, मुझे उसको बचाना होगा। एंड्रे कहने लगता है कि अगर तुम इस बार अंदर चली गई तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। रात होने के बाद वो औरत तुमको ढूंढते हुए बाहर आएगी। उस टाइम तुम उस घर के अंदर जाकर अपनी गाड़ी की चाबी और उस एजे को बचा ले आना। इस तरफ टनल में एजे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। इसी में जब एजे किसी कमरे में जाता है तो उस कमरे में बूढ़ा फ्रैंक होता है बिस्तर पर लेटा हुआ। फ्रैंक को देखकर एजे समझने लगता है कि शायद उस अजीब की औरत ने इसको भी यहाँ पर बांध के रखा होगा। अब फ्रैंक बहुत बूढ़ा होने की वजह से ये बात भी नहीं कर पा रहा होता, बस कुछ इशारे दिखाते रहता है एजे को। एजे फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम घबराओ मत, जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस आएगी, जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। खैर उसी कमरे में एजे काफी सारे वीडियो कैसेट्स को देखता है और उन कैसेट्स के ऊपर अलग अलग लेडीज के नाम लिखे होते हैं। जब एजे उन कैसेट्स में से एक कैसेट को प्ले करने लगता है तो ये देखता है कि जब फ्रैंक जवानी में था उस वक्त अलग अलग औरतों को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार किया करता था। अब ये देखकर फ्रैंक पहचान लेता है कि एजे को इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अपने पास रखी हुई सीक्रेट गन से अपने आप को मार लेता है ताकि फ्रैंक पुलिस के हवाले ना हो। दूसरी तरफ टेस पुलिस को बुलाकर कहने लगती है कि इस घर के बेसमेंट में एक अजीब की औरत रहती है। उस औरत ने ऑलरेडी कैद नाम के एक बंदे को मारकर एजे नाम के एक बंदे को कैद करके रखा है, प्लीज आप लोग बेसमेंट में जाकर उस बंदे को बचा ले आओ। पुलिस वाले पूछने लगते हैं क्या इस घर की चाबी आपके पास है। टेस कहने लगती है कि चाबी तो घर के अंदर है, मैं इस घर में रहने के लिए आई थी, उस औरत की वजह से मैं बेसमेंट से बचकर बाहर निकल आई। टेस की सारी बात सुनने के बाद पुलिस वाले टेस की बातों पर भरोसा नहीं करते, यही सोचने लगते है कि शायद गंजा पी के रखा है इस लड़की ने। टेस से कहने लगते है कि मैडम बिना चाबी के हम कैसे उस घर के अंदर जाए, किसी के घर में ऐसे ही विदाउट परमिशन घुसना इट्स इलीगल। इस तरह से पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। खैर रात होने के बाद टेस बहुत ही हिम्मत जुटाकर दोबारा उस घर के अंदर जाती है। अपनी गाड़ी की चाबी हासिल करके जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने ही वाली होती है तभी वो अजीब की औरत टेस की ओर आने लगती है। टेस घबराते हुए उस औरत को अपनी गाड़ी से ठोक देती है। उसके बाद टेस बेसमेंट में जाती है एजे को बचाने के लिए। अब उसी वक्त एजे फ्रैंक की गन लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और टेस को वो औरत समझकर टेस पर फायर करने की वजह से टेस को गोली लग जाती है, लेकिन टेस मरती नहीं। उसके बाद एजे टेस को लेकर ये दोनों एंड्रे के पास आते हैं। एंड्रे इन दोनों से कहने लगता है कि 40 साल से वो औरत उसी घर में रहती आ रही है। एजे कहने लगता है कि मैंने उस घर को खरीदा था। एंड्रे कहने लगता है कि तुमने सिर्फ उस घर को खरीदा, लेकिन उस घर के सीक्रेट कमरे में वो अजीब की औरत उसका फादर सालों से रहते है। उस औरत का फादर काफी सारे औरतों को बेसमेंट में लाकर उनके साथ बलात्कार किया करता था। उन औरतों से बच्चे पैदा हुए और पैदा हुए बच्चों के साथ भी बलात्कार करके दोबारा बच्चों को पैदा किया। तभी इसी दरमियान में वो अजीब की औरत वहाँ पर आकर एंड्रे को मार देती है। टेस और एजे डर के मारे एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये औरत भी इन दोनों को फॉलो करते हुए टैंक चढ़ जाती है। तभी एजे टेस से कहने लगता है मुझे एक आइडिया आया है, वो औरत तुमको अपनी बेटी मान रही है। ऐसा कहते हुए एजे टेस को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। टेस को नीचे गिरता हुआ देख वो अजीब की औरत भी टेस को बचाने के लिए जंप लगाती है। इस तरह से ये दोनों ऊपर नीचे गिरते हैं, मतलब उस अजीब की औरत के ऊपर टेस गिरती है। एजे फटाफट से नीचे आकर टेस को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अजीब की औरत होश में आकर एजे को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। क्योंकि एजे ने ही टेस को नीचे धक्का दिया ना, उसके बाद वो अजीब की औरत बहुत ही इमोशन के साथ टेस के पास आती है। तभी टेस के हाथ फ्रैंक की वो गन लगती है जो एजे के पास थी, उसी गन से इस औरत को मार देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।